हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन एंड गुड इवनिंग ऑल्सो। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो ये जो क्लास रहने वाला है, ये आपको एक रिकॉर्डेड मोड में मिलने वाला है। इसका रीज़न क्या है वो भी आपको बता दें, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम जो है वो लाइव क्लास नहीं ले रही हैं। रीज़न इसका ये है कि थोड़ा सा नेट का इशू है, जिसकी वजह से जो सेशन है ये आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक जो और क्लास होगा वो आपको बता देते हैं कि उस क्लास का टाइमिंग क्या रहने वाला है। अभी तो हम लोग 4:30 बजे इस क्लास को अटेंड कर ही रहे हैं। इसके बाद अभी 5:30 बजे भी आपके लिए एक सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग यूपीएससी से जुड़े हुए जितने भी मॉक क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, जल्दी से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा देखो, अनअकैडमी पे जो क्लासेस चल रहे हैं वो आप अवेल कर सकते हो। आपको नजर आ ही रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे क्लासेज हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोड क्या यूज़ करना है, वाईफाई चार। नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए एक अनाउंसमेंट आने जा रहा है, कुछ न्यू क्लासेस जो हैं वो आपके लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं। अब न्यू क्लासेस की बात आई है तो भाई न्यू क्लासेस कौन कौन से हैं ये भी बता दें। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि एसएससी जेई के लिए, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के जो टायर 2 है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 2nd ऑफ मार्च। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारा का सारा अनाउंसमेंट आपके लिए किया जाएगा। कब? ऑन संडे। कितने बजे? सुबह 10 बजे। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे कि अनअकैडमी के जो 20,000 क्लासेस चल रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको भी आप अवेल कर सकते हो। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आई थिंक अब हम लोग को क्वेश्चंस पे चलना चाहिए। ये वाला जो सेशन है ये सीएचएसएल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेशन है, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना और इसके आंसर करते जाइएगा। आपका कोई भी लॉस ना हो, इसकी वजह से ये जो सेशन है ये आपके लिए रिकॉर्डेड मोड में भी हम लेकर आए हैं, ताकि देखो नेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, शायद उसको भी कोरोना हो गया। वेल, सेशन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फरक्का बैराज इशू इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि फरक्का बैराज जो बना हुआ है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा फरक्का बैराज है ये कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, आपको नदी का नाम बताना है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत से मेंशन करिएगा, क्योंकि हर एक कमेंट जो है वो हम पढ़ते हुए चलते हैं। और प्लीज सेशन को शेयर करते चलिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद एक और आपको क्लास मिलेगा 8:30। तो आंसर विल बी, आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ पर रहेगा गंगा रिवर। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब हम गंगा रिवर बोल रहे हो, देखो ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हैं दोनों मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इज सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तीस्ता लिखा हुआ है, तो तीस्ता रिवर भी डिस्प्यूटेड है किसके किसके बीच में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। एक फैनी रिवर भी है, कौन सी स्टेट में है, ये है त्रिपुरा के अंदर, और ये भी डिस्प्यूटेड थी, लेकिन अब यहाँ के इसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं है। लास्ट वाली देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है दामोदर, ये लिखा हुआ है ना, तो जब हम दामोदर की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इसको बोला जाता है सोरो ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के शोक के रूप में इस नदी को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन एज टॉप स्लिप, इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ नेशनल सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क। ठीक है, ये बनेगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ पर लोकेटेड है ये? तमिलनाडु के अंदर। मुदुमलाई मुकुर्दी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु के अंदर ही लोकेटेड है। एक और याद रख लेना, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये एक्चुअली अभी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई सर्वे कंडक्ट किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये कौन से स्टेट में है, स्टेट विल बी आंध्र प्रदेश। राइट, नेक्स्ट पे आओ। उम्मीद कर रहे हैं कि इतने जो क्वेश्चंस हैं ये तुम लोग को इतने याद भी होते जा रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना कि क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, अटेम्प्ट कर लिया है और फिर कल हम उसको भूल गए। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें कि कल सैटरडे को 4:30 बजे जो हम लोग का ये सेशन होता है ना, इसमें रेलवे का स्पेशल करंट अफेयर्स करंट जितना है ना वो लेकर आने वाले हैं। तो कल भी 4:30 बजे शाम में क्लास होगी। ऑल दो ये जो क्लास है ना मंडे टू फ्राइडे होती है, बट कल भी आपको क्लास मिलेगी। कितने बजे? 4:30 बजे। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री लीड्स दी मेडल टेली एट साउथ एशियन गेम्स 2019, यानी कि दक्षिण एशिया जो खेल हुए थे उनमें कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, जो पूरी मेडल टेली थी उसमें नंबर 1 पे रहा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी इंडिया। अब देखो सिंपल सी बात, साउथ एशियन गेम्स जो अभी हुए थे वो 13th एडिशन हुआ था। कहाँ पर कंडक्ट किया गया था? नेपाल के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन सी वाली यहाँ पे कंट्री नंबर 1 पे रही थी? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने थे, कितने टोटल मेडल थे जो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। मेडल्स की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें,
अभी हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स कंडक्ट किए गए थर्ड एडिशन, कहाँ पर? गुवाहाटी के अंदर. गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम के अंदर है. और आसाम की कैपिटल क्या है? दिस इज दिसपुर. ठीक है, नेक्स्ट. दिस इज दिसपुर. ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंडक्ट किए गए ओडिशा के अंदर, और ओडिशा में कहाँ पर? भुवनेश्वर के अंदर. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं. अभी अगर 2-3 दिन के पेपर उठा के देख लो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, चलिए. अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4, वर्क्स ऑफ द 11th सेंचुरी संस्कृत पोएट जयदेव हैव बिकम द बेसिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म इन इंडिया. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो संस्कृत पोएट थे जिनका नाम क्या था, जयदेव जी, ये इनमें से कौन से डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं. जब भी हम डांस फॉर्म्स की बात करते हैं तो स्पेशली सतरिया डांस फॉर्म पूछा जाता है, और सतरिया डांस फॉर्म कौन सी स्टेट का है? तो दिस इज ऑफ आसाम. ठीक है, मणिपुरी, ओडिसी, ये सब बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं क्योंकि इनके नाम से ही पता चल जाता है. तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी ओडिसी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कथक लिखा हुआ है, तो कथक कौन से स्टेट में रहेगा? तो कथक विल बी इन यूपी. लेकिन अगर कथक कली पूछा जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा? दैट विल बी केरला. ठीक है, मणिपुरी इज मणिपुरी, आई मीन मणिपुर. और भरतनाट्यम पूछा जाएगा तो दिस इज इन तमिलनाडु. नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5. उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर तुम लोग के करेक्ट हो रहे होंगे, बट हाँ, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट देखो, इंडिया की आपको रैंक बतानी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर. ये जो इंडेक्स है ये अभी हाल ही में जारी किया गया था, और इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? 9th नंबर पर इंडिया रहा. देखो, COP25 अभी ऑर्गेनाइज किया गया था ना स्पेन के अंदर, स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और वहीं पर ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया. अब यहाँ पे COP26 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको पहले कहाँ पर ऑर्गेनाइज होना था? तो चिले के अंदर, जो इसकी कैपिटल है सेंटियागो, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करना था, लेकिन ये कहाँ पर हुआ? मैड्रिड के अंदर. अब COP26 अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर रहेगा, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे. लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो आलोक जी को यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है. ठीक है, आंसर करके बताओ, जल्दी से आंसर करके बताओ कि यहाँ पर ये जो आपको मैंने पूछा है कि COP26 कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, यूरोपियन कंट्री में ही इसको भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. अगले सवाल पे चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसाइड्स हाउ फार द फंडामेंटल राइट कैन अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज इन इंडिया. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अधिकारी होते हैं जो यहाँ पे तय करते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी आर्म फोर्सेज है ना, उनके ऊपर कौन सा कानून लगाया जाएगा या फिर कौन सा कानून नहीं लगाया जाएगा. क्वेश्चन में देखो ऑप्शन क्या दिया है, राष्ट्रपति, संसद, आर्म फोर्सेस खुद से कर सकते हैं, या फिर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो यहाँ पे इस चीज को डिसाइड करेगा. तो देखो, 4 ऑप्शन है जिसमें से देखो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, बचे 3 ऑप्शन. अब लास्ट वाला ट्रिब्यूनल बना के क्यों काम करेगा? तो यहाँ पे देखो सिर्फ बचे आपके पास 2 ऑप्शंस. जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 34, ये जो 2 आर्टिकल्स हैं ये आपको आर्म फोर्सेस से रिलेटेड ही मिलते हैं. ठीक है, अब देखो आंसर क्या बनेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे आर्म फोर्सेज हैं उनको जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं. इन केस अगर उनको किसी भी तरीके के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? संसद के द्वारा ही पॉसिबल है. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज एडेड इन टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको भारत के संविधान के अंदर एक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है. संशोधन कौन से नंबर का है? 42nd. और ये कौन से ईयर में हुआ था? 1976 में. तो मैंने आज सुबह आपको बताया था कि एक टर्म है जिसको हटाने की बात करी जा रही है, वो टर्म क्या था? सोशलिज्म था. अब उसी के बेसिस पे यहाँ पे देखो जरा ऑप्शंस क्या क्या लिखे हुए हैं. फेडरल लिखा है, सोशलिस्ट लिखा है, सोवरेन लिखा है और रिपब्लिक लिखा है. तो ये तो नहीं है, है ना? सोवरेन भी नहीं है, रिपब्लिक भी नहीं है. बचा क्या है यहाँ पे? सोशलिस्ट विल बी दी करेक्ट आंसर. देखो, सोशलिस्ट, सेकुलर जिसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी, ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जिनको प्रस्तावना के अंदर, प्रियम्बल के अंदर जोड़ा गया था. प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? तो इसको यूएसए से कॉपी किया गया है, और इसमें अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया, यानी कि अमेंडमेंट किया गया, और वो भी कौन से ईयर में? 1976 में. और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. वाई इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि 1975 में लगी थी इमरजेंसी, उसके बाद जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे 1976 में किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 8.
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है या फिर हम कह सकते हैं लोकेटेड है? हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? मैंने आपको बताया था सिक्किम के पार्ट पे कंचनजंगा, याद रखना। जम्मू कश्मीर अगर आ जाएगा तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दचिगम नेशनल पार्क रहेगा। हिमाचल प्रदेश पे देखो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, हिमाचल वैसा वाला नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसे सवाल फ्रेम किए जाएं। लाइक नेशनल पार्क्स भी हैं, बहुत रेयर केस में पूछ लिया जाएगा, या जैसे कि लोसार फेस्टिवल है जैसे लद्दाख में होता है, हिमाचल में होता है, अभी फागली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। उत्तराखंड से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा? उम्मीद करते हैं कि ये अब तक आपको रट गया होगा, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका दूसरा नाम क्या है या फिर इसका पुराना नाम क्या है? दैट इज हेलीज नेशनल पार्क। और कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये हो जाएगा राम गंगा नदी। राजा जी नेशनल पार्क, ये भी कौन से स्टेट के अंदर है? तो ये भी रहेगा उत्तराखंड के अंदर। एक चीज याद रखना, उत्तराखंड के अंदर अभी हाल ही में अनाउंस किया गया था कि स्नो लेपर्ड के लिए एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। ओके, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक तुम लोग को इतने सवाल जो है वो क्लियर होते जा रहे होंगे, और सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाना, क्योंकि बार बार तो हम कहेंगे नहीं और इतना उम्मीद कर सकते हैं कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इतना काम आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट? साउथ अफ्रीका के अंदर अभी हाल ही में सबसे पहले एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हर्शल गिब्स, एबी डी विलियर्स, पीटरसन या फिर ग्राम स्मिथ? आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखो ये जो नाम है, दिस इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, ये तो पता ही होगा, मतलब क्रिकेट के बारे में तुम लोग को एक्स्ट्रा ही पता होता है, जितना मुझे नहीं पता होगा शायद उससे कहीं ज़्यादा तुम लोग को पता होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिस इज इन दुबई। और एक चीज़ और आपको ये बता दें, आईपीएल के जो मैचेस होने थे इनको पोस्टपोन किया गया, ऑल्दो ये भी तुम लोगों को मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर विल बी ग्राम स्मिथ को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, लेट राजमाता विजय राजे सिंधिया वॉज दी महारानी ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग सिटीज? यहाँ पे जो विजय राजे सिंधिया जी थी वो इनमें से कौन सी जगह की रानी या फिर महारानी के रूप में काम कर, मतलब थी वहाँ पे, महारानी के रूप में काम कर चुकी, महारानी थी। ठीक है, आंसर बताओ भोपाल, सूरत, जयपुर या फिर ग्वालियर? देखो यहाँ पे सिंधिया फैमिली आजकल बड़ी न्यूज़ में चल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया था। आंसर विल बी ग्वालियर। ठीक है, सिंपल आंसर रहेगा, सिंपल स्वीट प्यारा सा आंसर है। अब देखो जयपुर लिखा हुआ है, तो जयपुर से हमें क्या याद रखना है, 2019 में यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल होने वाला जो सबसे लेटेस्ट साइट है इंडिया का, दैट इज जयपुर। यूनेस्को की लिस्ट में टोटल कितनी साइट्स हो गई हैं? 38 रहेंगी। दो चीज़ें हमेशा याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। और 43rd जो इसकी बैठक हुई थी वो बाकू के अंदर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। और लास्ट वाला जो पॉइंट याद रखना है, 44th वाली जो मीटिंग है वो कहाँ होगी? वो चाइना के अंदर ऑर्गेनाइज करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, बुल फाइटिंग इज द नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कंट्री पूछा है, स्टेट आंसर मत कर देना, पता चला तमिलनाडु बोलना शुरू कर दो। क्वेश्चन में पूछा है बुल फाइटिंग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सबने देखी होगी मूवी, ऐसा तो है नहीं कि ना देखी हो। अभी भी इसमें कुछ बोलना शुरू करेंगे, नहीं मैम मैंने नहीं देखी और अब आप इसको एग्जाम्पल नहीं ले सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया इसको। तो बुल फाइटिंग यहाँ पे नेशनल गेम है कौन सी कंट्री का, ये आपको बताना है, पुर्तगाल, स्पेन, हंगरी या फिर पोलैंड? आंसर विल बी स्पेन, सिंपल सा है, क्योंकि ये अगर मूवी देखिए तो आप इसको भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि कई बार मूवी जो है ना वो हमें एक अच्छा खासा लेसन सिखा के जाती हैं, तो अब ऐसा भी नहीं है कि सारी मूवी बेकार ही होती हैं। ओके, देखो जितने लोग अभी कनेक्ट हो गए हैं उनको ये भी बता दें कि अभी 5:30 बजे भी आपको एक सेशन मिलने वाला है जिसमें हम लोग यूपीएससी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब डिस्कस क्या करेंगे, एक मॉक क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को आंसर करने होंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी उनको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली सेपरेटेड फ्रॉम पेपुआ न्यू गिनी एंड वोटेड टू बिकम द न्यू कंट्री? क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आपको जगह देखने को मिल रही है जो अभी हाल ही में पेपुआ न्यू गिनी से अलग हुई है और उसको एक नए देश का दर्जा दिया गया है? तो आंसर विल बी बोगेनविली। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी बोगेनविली। नाम सुना है? अच्छा मेरे को ये बताना, पेपुआ गिनी नाम की जो जगह है वो कौन से ओशियन में है? इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है या फिर एटलांटिक ओशियन में है? किस जगह पर आपको ये लोकेशन मिलेगी? क्योंकि देखो एग्जाम में आजकल लोकेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, स्पेशली जब हम इंडियन ओशियन बोल रहे हैं तो मेडागास्कर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
जब मेडागास्कर आ रहा है तो यहाँ पे ऑपरेशन वेनिला प्लीज मत भूल जाना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेंटर टू प्रोवाइड इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द 2 लाख ग्राम पंचायत बाय विच ईयर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा भी हाल ही में बोला गया है कि इंटरनेट की सुविधा, ब्रॉडबैंड की सुविधा, ये टोटल कितने ग्राम पंचायत को पहुंचाई जाएगी। तो 2 लाख ग्राम पंचायत को ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। आपको ये बताना है कि इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा टारगेट कितना रखा गया है। जैसे कि देखो, प्लास्टिक्स को एंड करने के लिए टारगेट रखा गया है 2022, यहाँ पे टीबी को एंड करने के लिए टारगेट रखा गया है 2025, और इंडिया के द्वारा मलेरिया को एंड करने के लिए टारगेट रखा गया है 2030। अब इसके लिए टारगेट क्या है, तो टारगेट देख के आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, दैट इज 2020, और मार्च 2020 इसका टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में अभी हाल ही में एक MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर ADB के द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया है किसके लिए, रोड सेफ्टी से जुड़े हुए जितने भी, या हम ये कह सकते हैं कि रोड्स के डेवलपमेंट के लिए ADB के द्वारा अभी हाल ही में एक MOU साइन किया गया है भारत सरकार के साथ। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ADB, वो इनमें से कौन से राज्य के लिए करेगा, आंसर करो। इससे पहले भी ADB ने एक और MOU साइन किया था तमिलनाडु के लिए, जो कि एक चेन्नई से कन्याकुमारी के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप कर रहा था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रोड्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ADB, वो इनमें से कौन से वाले स्टेट में होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर विल बी MP, मध्य प्रदेश के अंदर ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अच्छा देखो, MP से याद आया, अभी न्यूज़ चल रही थी तो उसमें आपको भी पता ही है कि कमलनाथ जी की जो सरकार है वो गिर चुकी है, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब लेट्स सी कि यहाँ पे जब अभी न्यू गवर्नमेंट बनने जा रही है तो बहुत सारा हमारे लिए स्टफ हो जाएगा पढ़ने के लिए। फ्लोर टेस्ट क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पे कमलनाथ जी के द्वारा जो इस्तीफा सौंपा जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, तो वो गवर्नर को दिया जाएगा। गवर्नर कौन है, लालजी टंडन जी हैं। तो ये कुछ की फैक्टर्स हो जाएंगे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी कोई चेंज होगा की फैक्टर्स वहाँ से निकल के ज़रूर आ जाते हैं। अगला सवाल देखो, हु इज़ अपॉइंटेड एज द तेलंगानाज फर्स्ट लोकायुक्त। तो तेलंगाना के अंदर अभी हाल ही में सबसे पहले लोकायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। एक तरफ तो देखो होते हैं लोकपाल, जो कि सेंट्रल लेवल पर होते हैं, कौन है, पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, और एक तरफ होते हैं लोकायुक्त, ये कहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये स्टेट के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तेलंगाना के अंदर भी किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो CV रामलू जी को अपॉइंट किया गया है, बात समझे। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है, ये नाम यहाँ पे नजर आ रहा है, तमिलीसाई जी, और अगर यहाँ पे CM पूछे जाएंगे तो कौन रहेंगे, चंद्रशेखर राव जी। तेलंगाना की कैपिटल क्या बनेगी, दैट इज हैदराबाद, और कौन सी नदी के किनारे पर है, ये तो मूसी रिवर के किनारे पर है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये सब यहाँ पे आपको मिलते हैं कहाँ, तेलंगाना के अंदर ही ये सब लोकेटेड हैं, तो प्लीज़ ये सारे नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इन बजट 2021 बाय विच ईयर मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू बी डबल। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में बोला गया है कि जो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है इंडिया की, उसको डबल कर दिया, मतलब डबल हो जाएगी, कब तक, यहाँ पे आपको ईयर बताना है कि कब तक ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि देखो अगर मिल्क के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इंडिया वैसे भी आपको हिट लिस्ट में ही मिलता है। तो इसका टारगेट कितना रखा गया है, 2025। अभी तक हम लोग 16 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 4 सवाल और बचे हैं, और अगर ये क्वेश्चंस में कुछ भी गलत कर रहे होंगे तो डेफिनेटली अभी आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। अगला देखो सवाल, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनासोर्स इन इंडिया, राइनासोर्स इन इंडिया जो हैं उनके लिए नेचुरल हैबिटेट कौन से वाले नेशनल पार्क में, या फिर इनमें से कौन सी वाली जगह पर है, आंसर विल बी काजीरंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है। वन हॉर्न राइनासोर्स यानी कि एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो इंडिया के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, आसाम के अंदर। गिर पूछा जाएगा तो ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है, इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इंपॉर्टेंट। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ रहेगी, राजस्थान, जिसको हम केलो दियो घाना के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, साइबेरियन क्रेन्स देखने को मिलती हैं, राइट। नीलगिरी कहाँ होगा, तो नीलगिरी मैंने आपको बताया ही हुआ है किस जगह पर रहेगा, तो ये आपको 3 स्टेट के बीच में मिलता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो 2 राज्यों के बीच में बॉर्डर बनाती है, एक सीमा बनाती है, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। चलो अच्छा, अभी इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, तो अब एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक इतनी चीज़ें तो तुम लोग को समझ आ गई होंगी ना। चलो फिलहाल देखते चलते हैं, क्वेश्चंस करते चलते हैं, जितने हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि हम जब CAG बोलते हैं ना, तो इनके लिए आर्टिकल कितना है, 148 है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं,
सिक्स ईयर होता है ना। गवर्नर की बात करोगे 5 साल होगा, राष्ट्रपति की बात करोगे ये भी 5 साल होगा, राज्यसभा की बात करेंगे तो भाई ये 6 साल रहेगा, लोकसभा देखोगे तो ये भी कितना होगा, 5 साल रहेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी 6 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, सवाल में पूछा जा रहा है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि UPPSC होता है ना, इसके अलावा देखो यहाँ पर BPPSC होता है, ये जो स्टेट के अंदर स्टेट पब्लिक कमीशन बना होता है ना, क्योंकि सेंटर पे क्या है, UPSC है, और स्टेट के अंदर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है। अब इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति करी जाती है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि अगर इन मेंबर्स को हटाना है, ध्यान रखना हटाने के लिए पूछ रहे हैं, अगर इनको इनकी पोस्ट से हटाना है तो किसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है, गवर्नर हटाएंगे या फिर प्रेसिडेंट हटाएंगे, दो ऑप्शंस आपको मैंने दिए। ओके चलो आ जाओ आखिरी सवाल पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब एक बुक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, विच बुक इज रिटन बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान, इनके द्वारा कौन सी किताब को इसमें से लिखा गया। तो देखो ये वाली जो बुक है एग्जाम वॉरियर, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है ना। दूसरी देखो लिखा हुआ है गुड इकोनॉमिक्स फॉर बैड टाइम, ये अभिजीत बैनर्जी जी के द्वारा लिखी गई है, जिनको इकोनॉमिक्स का अभी नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अगला देखो और इसका आंसर क्या बन जाएगा, टर्बुलेंस एंड ट्राइम दी मोदी ईयर। बात समझ गए, तो इतने सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अभी देखो कितने बजे, 5:30 बजे एक और आपके लिए क्लास लाइंड अप किया हुआ है। अगर नेट कनेक्टिविटी प्रॉपर रही तो डेफिनेटली ये क्लास आज ही होगा, लेकिन अगर मान लो कोई रीज़न की वजह से आज क्लास नहीं हो पाता है तो ये क्लास हम आपको कल कंडक्ट कर देंगे, बट हाँ इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और सेशन लाइक और शेयर भी कर दिया होगा, है ना। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं कब, अगर 5:30 बजे कनेक्टिविटी प्रॉपर रही तो 5:30 बजे, वरना कल सुबह 7 बजे आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए बाय बाय।